आज की वीडियो में आपको तनिषा के केस में डॉक्टर के न्यू स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले तनिषा शर्मा ने अपने आप को फांसी लगा ली थी और पुलिस इस केस के पीछे बहुत ही पड़ी हुई है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि शहजान खान पुलिस की कस्टडी में है और अभी भी वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो बट पुलिस काफ़ी ज़्यादा जुटी हुई है इस केस में और क्लूज़ को ढूंढ रही है। तो रिसेंटली सीसीटीवी एक वीडियो वायरल हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है तनिषा शर्मा के केस में। दोस्तों, जैसा कि जब तनिषा शर्मा ने खुद को फांसी लगाई थी तो उसके बाद शहजान खान और उनके क्लूज़ मेम्बर्स उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो डॉक्टर से भी पुलिस ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। तो पुलिस ने डॉक्टर से पूछा कि शहजान खान कैसे लग रहे थे जब वो तनिषा की बॉडी को लेकर आए थे, तो वहाँ पर डॉक्टर का स्टेटमेंट ये था कि शहजान खान बहुत ही डरे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि तनिषा को बचा लें, किसी भी कीमत पर तनिषा को बचा लें। तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और बाकी मेम्बर्स उन्हें चुप करवा रहे थे, बट वो चुप नहीं हो रहे थे। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि शहजान खान जो कि बेकसूर हैं और उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, बट आने वाले वक्त में सारा कुछ ही पता चल जाएगा। तो आप सब भी शहजान खान के लिए और तनिषा के लिए प्रे कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बॉलीवुड चिड़िया खबर मिलती रहे।